हूँ आपके साथ संध्या वर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। सुबह पता नहीं होता कि आज कैसे परिवार का पेट भरेगा, लेकिन इसके बाद भी वह लोग भीख नहीं मांगते, बस सड़क के किनारे फुटपाथ पर अपना छोटा मोटा व्यापार करते हैं, लेकिन उनसे भी बेवजह की वसूली की जाती है। ऐसे ही कुछ दुकानदारों ने बबीना छावनी परिषद कार्यालय पहुंचकर अपना दुखड़ा सुनाया है। उनका कहना था कि वह फुटपाथ पर दुकानें लगाकर अपना जीवन यापन करते हैं। दुकानदारों का आरोप है कि पहले 10 रुपये उनसे वसूल किए जाते थे, जबकि अब ठेकेदार उनसे 50 रुपये प्रतिदिन वसूल कर रहा है। इसके अलावा दो पहिया वाहनों से भी 50-50 रुपये जबरन वसूली की जाती है। दुकानदारों का कहना है कि जब सरकार किसानों को हर चीज़ में छूट दे रही है, तो फिर आखिर उनसे यह वसूली क्यों? आरोप है कि ठेकेदार द्वारा दुकानदारों एवं खरीदारी के लिए आए ग्रामीण क्षेत्र के किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। यह ठेकेदार बात बात पर उग्र भी हो जाते हैं और लड़ाई झगड़े को भी तत्पर रहते हैं। छावनी परिषद कार्यालय पर पहुंचे फुटपाथी दुकानदारों ने अपनी पीड़ा छावनी परिषद को सुनाई। इसके बाद छावनी परिषद ने यह स्पष्ट कर दिया कि सिर्फ बुधवार और रविवार के दिन ही गाड़ी की एंट्री का पैसा लगेगा, बाकी दिन पैसा नहीं लगता। और छावनी परिषद के इस कथन से यह भी स्पष्ट हो गया है कि व्यापारियों और यहाँ आने वाले किसानों व ग्रामीणों से ठेकेदार जबरन पैसा वसूल रहे थे, या यूं कहें कि ठेकेदारों की अभी तक गुंडागर्दी चल रही थी। फिलहाल अब छावनी परिषद की इस जानकारी मिलने के बाद छोटे दुकानदारों ने राहत की सांस ली है। छावनी परिषद बबीना आया, क्या समस्या लेके आए हो आज? हमारी समस्या ये है कि अभी तक हम लोग तय बाजारी का 20 रुपये देते थे, पहले 6 महीने पहले 10 रुपये लगती थी, तो यहाँ कैंट के आदि से हम लोगों ने 20 देना चालू कर दिए। अब ठेका होने से ये लोग 50 रुपये 100 रुपये जगह के हिसाब से मांग रहे हैं, एक ठेले के 100 रुपये लगेंगे या 50 रुपये लगेंगे। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी समस्या सुने साहब, और जो पहले लगता था वही हम लोग देने के लिए तैयार हैं। अगर ठेका अगर उससे महंगा हो जाए, अगर 50 लाख का हो जाए या 1 करोड़ का हो जाए, तो 5 रुपये ठेला थोड़ी हम लोग दे पाएंगे गरीब आदमी। तो आज आप क्या समस्या लेके आए? ये समस्या लेके आए कि हम चाहते हैं कि साहब हमारा साथ निर्णय करें और हमको न्याय मिले। बबीना से विजय वर्मा के साथ प्रदीप यादव की रिपोर्ट।